हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई। आज मैं बनाने वाली हूँ मटका कुल्फ़ी। आज मैं ये कुल्फ़ी कुल्हड़ में बना रही हूँ। बिल्कुल ये कुल्फ़ी रबड़ीदार है, और अगर आपके पास ये कुल्हड़ ना हो तो आप इसको डिस्पोजल में भी बना सकते हैं। इसको आप देखिए, मैं डिस्पोजल में बनाई हूँ। ये मेल्ट भी हो रहा है, अभी गर्मी का टाइम है तो जल्दी जल्दी मेल्ट भी होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपके लिए भी मटका कुल्फी बनाना एकदम इजी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम मटका कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटका कुल्फी बनाने के लिए हम इस तरह का एक पैन चढ़ा लेंगे। उसमें मैं ये मिल्क डाल दूंगी। ये हाफ लीटर मिल्क है, ये हमारा नॉर्मल जो काउ मिल्क आता है ये वही है। तो ये हम डाल दिए। अब हम मिल्क में बॉयल डालने देंगे। अब हम इसको इस तरह से स्टर करते रहेंगे। ये मिल्क में हम बॉइल डालना है, ताकि स्टर करते रहेंगे इसको। अब आप ये देखिए, मिल्क में इस तरह से बॉइल डाल रहा है, तो हम इस तरह से इसे चला लेंगे। और गैस का फ्लेम को हम मीडियम कर ले रहे हैं। मीडियम फ्लेम में हम इसको मिल्क को अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। रबड़ीदार हम कुल्फी बनाने वाले हैं, तो अब इसी तरह से इसको साइड साइड से भी स्पैचुला की हेल्प से इसको चला लेंगे, ताकि ये साइड में चिपके ना। बस हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अब हम इसमें शुगर डाल देंगे। तो इस तरह से मैं 5 स्पून शुगर डाल दूंगी। तो ये हम शुगर डाल दिए हैं। शुगर डाल के भी हम अच्छे से इसको गाढ़ा होने देंगे, शुगर भी मेल्ट हो जाएगा इसी में। अब आप ये देखिए, शुगर भी हमारा इसमें मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये केसर वाला दूध डाल देती हूँ, तो ये इससे कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और मैं इसमें एक सीक्रेट और इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ। इसको एकदम मलाईदार कुल्फी बनाने के लिए इसमें मैं ये डालूंगी। ये मिल्क पाउडर है। इस तरह से इसमें मैं 3 स्पून मिल्क पाउडर डालूंगी, तो इससे क्या होगा, एकदम रबड़ीदार। अगर आप चाहें तो दूध में भी मिक्स करके इसको मिल्क पाउडर को डाल सकते थे, पर इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो इस तरह से हम इसको स्टर कर लेंगे। ये मिल्क पाउडर डालने से हम इसको अच्छे से मिला ले रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारा मिल्क पाउडर डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आप ये देखिए, इसको मैं अच्छे से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से 2 चम्मच ये मलाई है। ये हमारा घर का ही जो दूध का मलाई निकलता है ना, बस ये वही मलाई है। तो ये मलाई डाल के भी इसको हम अच्छे से इसी में मिक्स कर ले रहे हैं। तो आप ये देखिए, इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है केसर डालने से। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ नट्स हैं, ये मैंने मिक्स करके रखे, काजू बादाम और पिस्ता। तो ये इस तरह से हम डाल दे रहे हैं। तो इसको डाल के भी हम 2 मिनट तक अच्छे से इसको पका ले रहे हैं, तो नट्स के भी इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाएंगे। तो हम इस तरह से स्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको देखिए, बाहर से कुल्फी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही इजी तरीके से कुल्फी बना सकते हैं। एक बार आप मेरे स्टाइल में ये कुल्फी बना के ज़रूर देखिएगा। तो आप ये देखिए, देखने से ही कितना रबड़ीदार लग रहे हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसको मिक्सी में डाल के इसको एक बार चला लेंगे। अब आप ये देखिए, ये ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। तो आप ये देखिए, मैं इसको जार में डाल दी हूँ। अब मैं इसका ढक्कन लगा ले रही हूँ और एक बार इसको मिक्सर
चला ले रही है, कहे कि हमें इसको सेकंड प्रोसेस नहीं करना है इसका, तो हम एक ही बार में ही ये आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो आप ये देखिए, मैं इसको मिक्सर चला ली हूँ, आप देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ये। तो अब हम इसको कुल्हड़ में डालेंगे। तो आप ये देखिए, हम कुल्हड़ रख लिए हैं, ये हमारे कुल्हड़ आर्टिफिशियल वाले हैं, अगर आपके पास मिट्टी का हो तो और बढ़िया है। तो इसमें हम इस तरह से डाल दे रहे हैं, तो हम इसी तरह से सारे में डाल दे रहे हैं। अब ये हम कुल्हड़ में डाल दिए हैं, अब हम एक डिस्पोजल का ग्लास ले लेते हैं, या आप चाहें तो कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। तो ये हम इसमें भी डाल दे रहे हैं, तो इस तरह से हम इसमें भी डाल दिए हैं। तो आप ये देखिए, ये हमने एक डिस्पोजल में भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अब ये जो नट्स बचे हुए थे, इस तरह से हम थोड़े थोड़े ऊपर से डाल दे रहे हैं, तो इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। जब आइसक्रीम जमकर तैयार होगा तो देखने में भी आप देखिएगा कितना सुंदर लगने वाला है ये। तो हम इसी तरह से सब में डाल दे रहे हैं। अब हम इसको ढक देंगे। तो मैं इस तरह का ये एल्युमिनियम फॉयल है, इसको कट कर ली थी इसके साइज का। तो आप ये देखिए, मैं इसको डिस्पोजल में ढक दी हूँ। अब मैं इसके कुल्हड़ के साइज का ये कट कर ली हूँ, तो हम इसको भी अच्छे से कवर कर देंगे। तो मैं इसमें एक रबड़ लगाने वाली हूँ ताकि इसमें एयर अंदर ना जाए। देखिए, मैं इसको सबको अच्छे से फॉइल लगा के पैक कर ली हूँ। अब मैं इस तरह का एक रबड़ बैंड इसमें लगा दूंगी। तो ये हम सब में इस तरह का एक रबड़ बैंड लगा दे रहे हैं। तो ये क्या होगा ना, इसमें बाहर की एयर इसके अंदर नहीं जाएगी। तो हम इसी तरह से सब में लगा दे रहे हैं। तो ये आप देखिए, मैं सब में रबड़ बैंड लगा दी हूँ। अब ये जो मैं डिस्पोजल वाला है ना, इसमें मैं हल्का सा नाइफ की हेल्प से हल्का सा बिल्कुल कट करूँगी, और इसमें हम ये आइसक्रीम वाला स्टिक लगा देंगे अंदर। तो इस तरह से लगा दिया। अब हम इसको फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए जमने देंगे। तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो आप ये देखिए, हमारा मटका कुल्फी जमकर तैयार है। अब मैं सारे इस तरह से रबड़ बैंड निकाल देती हूँ। तो अब हम इस तरह से इसका फॉइल निकाल देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया जमा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, रबड़ीदार हमारा मटका कुल्फी। तो हम बाकी के भी मैं आपको सारे खोल लेती हूँ। ये देखिए, हमारा डिस्पोजल वाला भी कितना बढ़िया से जमकर तैयार हुआ है ये, और इसमें तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। इसमें तो मैं चम्मच से निकालूंगी, और हम इस तरह से इसको इस तरह से दोनों हाथ से ऐसे ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, फिर हम निकालते हैं। तो आप ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, और कितना ईजी तरीके से ये जमकर तैयार हुआ है। मैं इसको प्लेट में रखती हूँ। तो ये देखिए, और मैं आपको इसमें कभी दिखाती हूँ। तो आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, देखने से बहुत बढ़िया लग रहा है, तो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार का ये फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका मटका कुल्फी कैसा बना। एक बार हम फिर से नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।